सो फिर क्या हाल है। सो आज की जो वीडियो है वो एक कोलैब वीडियो होने वाली है जिसमें मैं कोलैब करने वाला हूँ सिंची फॉक्स के साथ। और हम आज आपको बताने वाले हैं क्या होगा अगर बेन टेंशन और निंजा हथौड़ी की कोई फाइट होती है, कौन किस पर भारी पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बेन टेंशन के बारे में बताऊंगा और सिंची फॉक्स बताएगा निंजा हथौड़ी के बारे में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें अगर आपको भी जानना कि इन दोनों में कौन जीतेगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो सिंची फॉक्स के चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हे एवरीवन, मेरा नाम सिंची फॉक्स है और जैसा आपको बता दिया गया कि एक कोलैब वीडियो है और मैं निंजा हथौड़ी के बारे में आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यार मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस कोलैब के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट करना यार मेरे चैनल को भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को रूल्स बता देता हूँ इस बैटल के। तो रूल नंबर 1 है बैन एलियन एक्स और टॉप 5 पावरफुल एलियंस का यूज़ नहीं करेगा। रूल नंबर 2 है एक टाइम में बैन एक ही एलियन बन सकता है और हथौड़ी एक ही टेक्निक यूज़ कर सकता है। रूल नंबर 3 है इसमें टोटल 5 राउंड होंगे। तो चलिए आप कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो निंजा हथौड़ी की बात करते हैं तो पहले निंजा हथौड़ी का पूरा नाम कांजो हथौड़ी है और वो ईगा विलेज से है। हथौड़ी केनिची और उसकी फैमिली के साथ रहता है। हथौड़ी के साथ उसका भाई शिंजो और पेट डॉग तो नहीं कह सकते, उसको निंजा डॉग कह सकते हैं, शिशिमानू भी रहते हैं। जैसे नाम से पता चलता है हथौड़ी एक निंजा है और उसकी फैमिली क्या भाई, उसका पूरा विलेज ही निंजा विलेज है, ईगा गांव जैसा आप लोगों को पता है। हथौड़ी की पूरी ट्रेनिंग उसके विलेज में हुई थी। हथौड़ी काफ़ी इंटेलिजेंट है और पावरफुल भी है। एक छोटा मोटा फिलोसफर भी उसको ये दुनिया भर की टेक्निक्स नहीं सिखा सकता जितना वो अपने आप से सीखा है और अपने पापा से सीखा निंजा टेक्निक्स ऑफ हथौड़ी। तो यार जो नंबर 1 पर निंजा टेक्निक है वो है निंजा बीवेयर ऑफ राउंड टेक्निक। यार इस टेक्निक की हेल्प से बवंडर बना सकता है और किसी को भी उसमें फंसा सकता है। और आप सभी जानते हो कि बवंडर में फंसने से क्या होता है। टेक्निक नंबर 2 है निंजा टेक्निक ऑफ ब्लोइंग लीव्स इनटू योरसेल्फ। इस टेक्निक की मदद से हथौड़ी खुद को छुपा सकता है अगर उसको एनिमी से लड़ाई नहीं करनी हो तो। तो यार जो टेक्निक नंबर 3 है वो है निंजा टेक्निक ऑफ स्पीड। हथौड़ी की स्पीड और एबिलिटी के बारे में तो सबको पता है कि वो कितना तेज दौड़ सकता है। और यार जो नंबर 4 पर निंजा टेक्निक है वो है निंजा टेक्निक ऑफ मेकिंग अदर फ्रीज। यार बचपन में हम सभी ने स्टैचू वाला गेम तो खेला ही होगा, पर आपने ऐसा स्टैचू वाला गेम नहीं खेला होगा जो निंजा टेक्निक ऑफ मेकिंग अदर फ्रीज है। इसकी हेल्प से हथौड़ी किसी को भी फ्रीज कर सकता है और सामने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, जैसे किसी इंसान को बर्फ में जमा देना। नंबर 5 है वो है निंजा टेक्निक ऑफ हिप्नोटिज्म। तो यार इस टेक्निक की मदद से हथौड़ी किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, पर इसके लिए हथौड़ी को एक वॉच जैसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप लोगों ने निंजा हथौड़ी शो में देखा ही होगा। तो यार अब नंबर 6 की टेक्निक के बारे में बात करें तो वो है विंड ट्रांसफ़र टेक्निक। यार इस टेक्निक की मदद से हथौड़ी हवा के बहाव को मोड़ सकता है अपनी एनिमी की तरफ अगर उसकी फाइट हो रही हो तो। और यार नंबर 7 पे जो टेक्निक है वो है पपेट टेक्निक। तो ये टेक्निक आपने देखी होगी जिसमें हथौड़ी लोगों को अपनी उंगलियों की मदद से कंट्रोल करता है। इसमें लोगों की बॉडी पार्ट्स रस्सी से बंधे होते हैं और हथौड़ी उनसे पपेट की तरह काम करवाता है। तो यार अब चलो अगली टेक्निक पर तरफ बढ़ते हैं, तो वो है नंबर 8 पे निंजा स्टार टेक्निक। तो यार निंजा स्टार टेक्निक तो हथौड़ी की सिग्नेचर टेक्निक है। तो यार हथौड़ी का एम काफ़ी बढ़िया है और निंजा स्टार का अटैक हथौड़ी काफ़ी अच्छे से करना जानता है। तो यार नंबर 9 पे जो टेक्निक है वो है बिजली की तलवार टेक्निक। तो यार हथौड़ी एक अच्छा तलवारबाज भी है और उसने अमारा को कई बार धूल चटा। तो यार आगे टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, तो नंबर 10 पे निंजा टेक्निक है वो है केनिची इन्वेंशन निंजा टेक्निक, जिसमें शिंजो रोता है और वो रोने से एक एनर्जी क्रिएट करता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो यार किसी की जान भी जा सकती है। तो यार अब इसकी वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है वो फ्रॉग से डरता है। तो यार अब बात कर लेते हैं, अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने उड़ने वाली गिलहरी, पानी पर चलने वाली और भेज बदलने वाली और ना जाने कौन कौन सी टेक्निक को नहीं बताया है। तो यार बता दो कि जो मैंने बताया वो टेक्निक बाकियों से पावरफुल है और को हराने के लिए पानी पर चल के क्या होगा, सही कह रहा हूँ ना। चलो यार हीरो भाई बताओ अपने बेंटन के बारे में कुछ। वेल सिंजी बहुत बढ़िया, तुमने अपने बारे में तो बताया ही बताया, साथ ही बताया निंजा हथौड़ी की पावर्स एंड एबिलिटीज, उसकी वीकनेस, साथ ही बताया निंजा हथौड़ी की बेस्ट निंजा टेक्निक्स के बारे में। अब मैं आप लोगों को बेन टेंशन के बारे में बता दूं कि जो बेन टेंशन है वो 10 साल का था जब उसे ओमनीट्रिक्स मिली। ओमनीट्रिक्स वो डिवाइस थी जिससे वो 1,000,000 प्लस एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और उनकी पावर्स की हेल्प से फाइट कर सकता था। जो बेन टेंशन है उसकी ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो जाती है बेंटन एलियन फोर्स में और उसके बाद उसे अल्टीमेट्रिक्स मिलती है बेंटन अल्टीमेट एलियन में। यही सिलसिला चलता रहता है और बेन टेंशन बहुत सारे एलियंस को अनलॉक कर लेता है उनकी पावर से विलगैक्स मैलवेयर जैसे बड़े और खतरनाक विलन्स को हरा देता है। और शायद ही मुझे शायद इसके सभी एलियंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे। तो हीरो भाई क्या होगा अगर हथौड़ी निंजा बीवेयर ऑफ राउंड टेक्निक को इस्तेमाल करे। इस टेक्निक की मदद से हथौड़ी एक तूफान बना सकता है।
क्या बैन इस चीज को मैनेज कर ले। वेल सिंची, जो निंजा वीवियर ऑफ राउंड टेक्निक है जिसकी हेल्प से जो हटोरी है टोर्नाडो या तूफान जनरेट कर सकता है, तो इस टेक्निक के लिए बेंटेंसन के पास एक एलियन है जो इसे आराम से डिफीट कर सकता है, तो उसका नाम है टेरास्पिन। टेरास्पिन जो है वो एयर को मैनिपुलेट कर सकता है और उसके सामने निंजा हथौड़ी छोटे मोटे तूफान काम नहीं आने वाले। अच्छा अच्छा, वेल अभी बहुत राउंड है, हथौड़ी के पास टेक्निक भी बहुत है। अच्छा ये बताओ, क्या होगा अगर अपने निंजा स्पीड का यूज करे और बेन पर हमला कर दे, कौन सा एलियन बेन यूज करेगा? वेल निंजा हथौड़ी की जो स्पीड है उसे तो मैं भी वाकिफ हूँ और हम सभी जानते हैं कि निंजा हथौड़ी कितनी तेजी से ट्रेवल कर सकता है। वेल बेन के पास बहुत सारे एलियन है जो स्पीड के साथ डील करते हैं, जैसे कि एक्सेलरेट, फास्ट ट्रैक, जेट रे, एस्ट्रोडैक्टाइल एटसेट्रा। वेल मैं उन सभी को यह मेंशन नहीं करूंगा, सिर्फ एक एलियन काफी और वो है एक्सेलरेट। एक्सेलरेट जो है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है और हम सभी का फेवरेट भी रहा है हमारे चाइल्डहुड में। और जो एक्सेलरेट है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि कई बार हमें ऐसा भी दिखाया गया है कि टाइम उसके सामने रुक जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि निंजा हथौड़ी एक्सेलरेट की स्पीड को कैच कर पाएगा। हथौड़ी के पास अभी भी बहुत ज्यादा टेक्निक है, अगर हथौड़ी अपनी मेकिंग फ्रीज टेक्निक का यूज करे तो बेन का बच पाना तो मुश्किल है ना। वेल सिंची, तो तुमने हुक्म का इक्का फेंक दिया। निंजा हथौड़ी की जो टेक्निक है अदर्स को फ्रीज करने वाली, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि बेंटेंसन इसके सामने टिक पाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि हथौड़ी बेंटेंसन को ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही फ्रीज कर दे, तो इस राउंड में सिंपल सी बात है और ऑब्वियस सी बात है कि निंजा हथौड़ी जीत जाएगा। इस राउंड में जो हथौड़ी है वो अपनी निंजा टेक्निक ऑफ हिप्नोटिज्म यूज करेगा, क्या बेन बचेगा? वेल सिंची, किसी को भी हिप्नोटाइज करने की पावर एक बहुत ही ऑसम पावर है और इससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन बेन के पास ऐसे बहुत सारे एलियन हैं जिनको हिप्नोटाइज नहीं किया जाता, जिनमें से एक वैम्पायर और टॉपिक। वेल यहाँ पे हम वैम्पायर को ही मेंशन करने वाला हूँ क्योंकि वैम्पायर ही काफी है इस टेक्निक के लिए। वैम्पायर को हिप्नोटाइज नहीं किया जाता और उसके वैम्पायर जैसी और भी पावर्स हैं, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है और ना जाने कौन कौन, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि आपका निंजा हथौड़ी टिक पाएगा। तो यार चलो अब निंजा हथौड़ी की वेपन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हथौड़ी के पास काफी सारे वेपन्स का यूज करने का एक्सपीरियंस है, जैसे सॉर्ड, निंजा स्टार और बेन पर वेपन्स वाले अटैक कर दिया तो क्या? वेल निंजा हथौड़ी के पास बहुत सारे वेपन्स है और उसने बहुत सारे यूज भी किए और बहुत सारे नहीं भी किए हैं। वेल जो किए उनके बारे में बात करते हैं। उनसे निपटने के लिए बेन के पास नॉर्मल एलियंस है, जैसे कि फोर आर्म्स, डायमंड हेड, रैथ, किकिंग हॉक, और ये सभी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल स्ट्रेंथ रखते हैं, एजिलिटी रखते हैं और रिफ्लेक्सेस रखते हैं, और डायमंड हेड के तो क्या ही कहने, और आप में से किसी ना किसी का इनमें से एक एलियन फेवरेट रहा ही होगा। वेल ऑलमोस्ट सारे डेंजरस अटैक कर दिए हैं और 5 राउंड भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो चलिए अब इंतजार करते हैं हमारे रिजल्ट का। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्योंकि सभी के सभी 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं और 5 राउंड के बाद जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से कि बेंटेंसन 3 राउंड आराम से जीत जाएगा, लेकिन जो 2 राउंड में से एक तो निंजा हथौड़ी जीत जाएगा और जो एक है वो टाइप है। जो टाइप वाला मैं आपको बता दूं कि निंजा हथौड़ी की रियल स्पीड हमें अभी तक बताई नहीं गई है और एक्सेलरेट की जो रियल स्ट्रेंथ है वो भी हमें पता नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहां पर टाई रखा है। इस राउंड को छोड़ दें तब भी निंजा हथौड़ी एक ही राउंड जीता था, जो कि उसने जीता था अपनी निंजा टेक्निक ऑफ मेकिंग अदर फ्रीज की हेल्प से। फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसे है कि बेंटेंसन निंजा हथौड़ी पे भारी पड़ जाएगा और बेंटेंसन आराम से इस मैच को भी जीत जाएगा। कोई भी फैन ऑफेंड मत होना कि तुम्हारा हीरो हार गया, तुम्हारा जी हीरो जीत गया, इस बात को लेकर बिल्कुल ऑफेंड नहीं होना क्योंकि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई। सो टुडे गाइस, होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस, सिंची फॉक्स के चैनल को सब्सक्राइब करना और विजिट करना ना भूलें, बंदा बहुत ही मेहनत कर रहा है तो प्लीज सपोर्ट करो इसे भी। एंड गाइस, अगर वीडियो में आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मिस्टेक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें ताकि सब जान सके जो भी हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।